नमस्कार, मैं हूं श्वेता मेडिटेशन वेदा से। आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। हिंदू धर्म में माँ गायत्री को वेद माता कहा जाता है, अर्थात सभी चारों वेदों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को माँ गायत्री का अवतरण माना जाता है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं और अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। सभी वेदों में किसी न किसी संदर्भ में इस मंत्र का उल्लेख बार बार है। ऐसा मानते हैं कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद में मिलता है और इसके दृष्टा विश्वामित्र हैं। ऋग्वैदिक भरत कुल के ऋषि विश्वामित्र ने सवित्र देव की अर्चना में यह मंत्र लिखा था। गायत्री का शाब्दिक अर्थ है गायत त्रायते, अर्थात गाने वाले का त्राण करने वाली। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में रचा गया अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र में शब्दों का गुंथन ऐसी वैज्ञानिक रीति से हुआ है कि इसके जप से साधक की अंतर चेतना में प्रसुप्त सूक्ष्म संस्थानों पर आघात होता है। आपको बता दें कि मानव शरीर 24 तत्व विशेष का बना होता है। इनमें है 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, गुदा, लिंग, हाथ, पैर, वचन, 3 अहंकार, सत, रज, तम, 5 तन मात्राएं, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, 5 तत्व, धरती, आकाश, वायु, जल, तेज और 1 मन। इन्हीं 24 तत्वों से मिलकर पूरी सृष्टि और मनुष्य का निर्माण हुआ है। गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर हैं और इन 24 अक्षरों के 24 देवता हैं। उनकी 24 चैतन्य शक्तियां और शक्ति बीज हैं और गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं। आइए अब हम गायत्री मंत्र के शाब्दिक अर्थ को समझते हैं। ओम का अर्थ है सृष्टि के कर्ता धर्ता यानी परब्रह्म। भूर का अर्थ है पृथ्वी यानी संपूर्ण जगत के जीवन का आधार, जहां जन्म से मरण तक की यात्रा तय होती है। भुवः का अर्थ है अंतरिक्ष लोक, मतलब वो ईश जो धरती पर रह रहे हर प्राणी की रक्षा करता है। स्वः का अर्थ है स्वर्ग लोक यानी परम धाम। तत् का अर्थ है उस, अर्थात उस परमात्मा से है, उस ब्रह्म शक्ति से है। सवितुर का अर्थ है सूर्य की भांति उज्ज्वल, सारी सृष्टि का वह जनक। वरेण्यम का अर्थ है वरण करने योग्य, अर्थात सबसे उत्तम। भर्गो का अर्थ है कर्मों का उद्धार करने वाला, यानी ईश्वर का वह शुद्ध स्वरूप जो अपनी शक्ति से अपवित्र चीजों को भी शुद्ध करने में समर्थ हैं। देवस्य का अर्थ है प्रभु, अर्थात वह ज्ञान स्वरूप भगवान। धीमहि का अर्थ है ध्यान अथवा आत्मचिंतन योग्य। धियो का अर्थ है बुद्धि यानी ज्ञान, समझ और मति। यो का अर्थ है जो, अर्थात वही देव परमात्मा। नह का अर्थ है हमें। प्रचोदयात का अर्थ है हमें शक्ति दें, प्रेरित कर हमारा मार्गदर्शन करें। शाब्दिक अर्थ के बाद अब हम गायत्री मंत्र का भावार्थ जानेंगे। अतः इसका भाव है कि हम उस ईश्वर की महिमा करते हैं जिसने मनुष्य को प्राण प्रदान किया है, इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो अज्ञान को दूर करने वाला है,
वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। गायत्री मंत्र सुनने के लिए आप स्क्रीन की दाईं ओर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको गायत्री मंत्र का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नमस्कार।